प्यार करते, कई लोग नए आते बीच में तो लोगों को पता चल जाए किस चीज़? पेंटाक्साइड वाला जी वो ऐसे है कि पेंटाक्साइड आप आपने एक औंस लेनी, एक औंस पेंटाक्साइड 6 माशे 6 ग्राम डायमंड टिप्पों वाला, हाँ 6 ग्राम और 1 ग्राम 1 तोला दाल चिकना जी, एक जो इंग्लैंड का खरला है उस मतलब औंस में कितना होता है वो ग्राम? 2.5 तोले होता है जी, 2.5 तोले फॉस्फोरस पेंटाक्साइड जी, और 6 ग्राम डायमंड डायमंड टिपो वाला, हाँ जी, दाल चिकना कितना है? 1 तोला 1 तोला जी। आपने जो खरल लेनी वो इंग्लैंड मॉडल लेनी है, ठीक है, इंग्लैंड की वो नहीं लेनी आप, तो वो खरल को खा जाएगा हीरा, इसके अंदर जनाब आप पेंटा को डालें, उसके अंदर दाल चिकना डाल दें, इसको खरल करें, वो तेल हो जाए, पानी बन जाएगा सारा, अब उसके अंदर हीरा डाल दें, उसको आप 3-4 घंटे खूब जोरदार हाथों से खरल करें जी, वो सारे का सारा इस तरह आपने 3 दिन करना है जी, 3 दिन करेंगे तो वो जनाब आपका पानी बन जाएगा, हीरा भी पानी, दाल चिकना भी पानी होगा और पेंटा भी पानी होगा, ठीक है। उसको आपने जनाब एक क्रूसिपल में डाल के उसको जनाब लोहे की तार लगानी है, आपने लोहे की तार लगा के 3 मरतबा कपड़ भट्टी करनी है, ठीक है, 5 किलो कोयलों की आग देनी है आपने, निकालेंगे तो आपका हीरा कुश्ता होगा, पेंटाक्साइड भी होगी उसके बावजन होगी, हाँ। और दाल चिकना भी उसके अंदर होगा, उसको आप खरल करें, खरल करने के बाद उसको आपने फिर कुजा गली में डाल के 2 किलो कोयलों की फिर आग देनी है आपने जी। इस तरह आपने देते देते 11 आग देनी है आपने जी सर। वो आपका मियारी कमाल का हीरा निकल आएगा, उससे आगे भी बहुत सारी उससे जनाब काम लिए जा सकते हैं जी। ये हीरा आपका बहुत मियारी बन गया है माशाल्लाह, ये और ये कीमिया में भी काम आएगा, ये खुराक में भी काम आएगा। अच्छा, वो जो मुआलज यानी के अच्छे मुआलज जो हैं, समझदार बाशऊर मुआलज जो हैं, वो इससे बहुत सा काम ले सकते हैं, कीमियागर भी इससे बहुत अच्छे अच्छे काम ले सकते हैं। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा उससे सोना बनेगा चांदी बनेगा ये बनेगा यू नहीं भाई, मैं ये नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ कि कीमियाई अमल की दवाई किस तरह बनती है। वाह वाह, आप कीमियाई अमल की दवाई बनाना जानती है तो उससे सब कुछ बन जाएगा। वाह, अगर उससे कीमियाई अमल नहीं जानते तो कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ जी, इसलिए सारे खराब हो रहे हैं। और बात आपको एक लोगों को मैं बात बता दूं जी। जो आदमी चांदी को रंग के बाजार लेके जाते हैं जी। वो चांदी नहीं बिकेगी आपकी। ये सर जी आपकी बातों का तकलामी माफ, ये जो फहीम ने लोगों को पीछे लगाया हुआ है तांबे और चांदी के पीछे, मैं नहीं भाई, ये सवाल भी उसका आ गया एक जी। ये इंडिया से जी गमराज है, कोई MW गमराज कहते हैं जी, कि सर जी कीमिया वालों की इंतजा है, अभी वो इंतजा कर रहे हैं कि फहीम सुनैसी से कह के कोई ऐसी वर्किया बताए जिससे कापर या बाजारी चांदी पे काम हो सके, क्योंकि पारा बहुत महंगा हो गया है, हम लोग काम नहीं कर सकते इस पे, तो ये अभी मतलब है कि सस्ता रास्ता ढूंढ रहे हैं। भाई मैं आपको बता दूं, जिसने कीमिया करनी है ना जी, तो वो करे परे पारे पे करे। हाँ, तो मैं जो बात बता रहा था वो पहले मेरी मुकम्मल होने दे। जो आदमी चांदी को रंग के बाजार लेके जाएगा, आज से 8-10 से 15 साल पहले तो ये काम होता था, अब नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर ने उसको उठा के बाहर फेंक देना है कि ये जाली माल है, तांबे का आप बनाएंगे वो भी फेंक देगा। तो भाई ये जो तांबा चांदी जो है ये सीधे चक्कर खाता है, सीधा चक्कर, अच्छा, पारा और सोना ये उल्टा चक्कर खाता है। बहुत आला, बहुत आला। आप सोना बनाना चाहते हो या ये यानी कि कोई जो भी मैं यो तो पीतल भी मिल जाता है बाजार से, उसको तजाब भी कर लो वो सोना हो जाएगा, हरगिज नहीं होगा। तो मेरी दरखास्त है, अपील है लोगों से, अगर आपने कीमिया करनी है ना तो तांबे चांदी के पीछे, तांबे चांदी के पीछे ना पड़े आप, पैसा जाया ना करें आप, बच्चों को खिलाएं जाके। अगर आपने सोना बनाना है, चांदी बनानी हो, ये काम करना चाहते हैं तो वो हीरे पे काम करे, हीरा भी बहुत सस्ता मिल जाता है भाई, हकीक उस भाव नहीं मिलता जिस भाव हीरा आपको मिल जाएगा। टिप्पो में से निकाल लें, टिप्पो में से वो तकरीबन आपको 1000 रुपए का
एक ग्राम पड़ जाएगा, हजार का मिल जाएगा, 2000 का भी मिल जाएगा, 500 में भी मिल जाता है। तो भाई वो 99+99 कार्बन है, वो 10% उसकी हार्डनेस है, वेरी गुड, डायमंड की तरह, डायमंड की तरह। तो उसको जब आप यानी कि मोबाइल से उसके लाइट मारेंगे वैसे ही चमकेगा जैसे डायमंड चमकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई आप पैसा जाया ना करें, मेरी ये दरख्वास्त है लोगों के, अपील है मेरी कि अगर करना तो अलमास पे खेल करें, अलमास पे गेम करें। अलमास से बना हुआ चीज तजाबी होगा और क़यामत तक उसकी तजाबियां नहीं टूटेगी। अच्छा जी। और जो आदमी अलमास को खिलाता है उसकी 7 नस्लों में लड़की पैदा नहीं होगी, वो लड़का पैदा होगा उसके अंदर। अच्छा सर, ये इसके खुराकी फायदे आप बता रहे हैं अलमास के जी। तो इसी वाले से एक सवाल आ गया सुजीत पठान साहब का, इंडिया से कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम हजरत, आप कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जो डायबिटीज यानी शुगर का बताएं जिससे डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जज़ाकअल्लाह जी। तो क्या ये डायमंड उसमें भी काम जी? डायमंड ये जनाब साबरी साहब बैठे हुए हैं जी, जी। ये इन्होंने 3 मरतबा बनाया है। हाँ। यही अलमास वाला कुछ था, उसके अंदर अलमास भी पड़ता है, उसके अंदर जनाब अली शाख मुरजान भी है, सोना भी है, चांदी भी है, मरवारीद भी है। इन्होंने बनाया 11 आग में बनाया इन्होंने जी। और खिलाया भी है और 3 मरतबा बना के खिला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है इनका। ठीक ठीक। अब वही हीरा जो बना हुआ है वो खिलाए इंशाल्लाह। और एक बात बता दूं, जो आदमी अलमास को मुदब्बर नहीं करता जी। मुदब्बर नहीं करता वो खुराकी नहीं होगा। अच्छा, मुदब्बर करेंगे तब खुराकी। हाँ जी, मुदब्बर करने के बाद वो जनाब खुराकी बनेगा, अगर मुदब्बर नहीं करेंगे तो वो खुराकी नहीं बनेगा, वो पॉइजन है, जहर है। जिस आदमी को खिलाएंगे वो उसका जनाब वो छननी कर देगा पूरी बॉडी, उसका एक जरा भी अंदर रह गया तो उसने पूरा जिस्म जो है ना वो जनाब अली छननी की तरह कर देना है। जिगर ले लो, लीवर ले लो, स्टमक ले लो, किडनी ले लो, मसाना ले लो, हार्ट ले लो, कोई फेफड़े ले ले, कोई भी ले ले, उस हर चीज को उसने डैमेज कर देना है जी। इसलिए अलमास को खिलाने से पहले मुदब्बर करें, इसे उस्ताद से दो जाने होके बैठ के सीखे। सर जी, आपने जो मुदब्बर की तरकीब बताई थी बयान कर जी जी, ऐसे है कि भैया आपने तजाब शोरा लेना है और तजाब नमक का ले लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है, ये एक पाव बना लेना आपने, अल्कोहल लेना है आध पाव तजाब गंधक लेना है, इन दोनों को मिक्स करके आपने जनाब लेना, ये लेना है वो बर्तन प्याला ड्रॉपर लेना है। नहीं नहीं, ड्रॉपर नहीं गया, पेपर जरा सी अल्मीनियम फाइल। अच्छा। उसके अंदर डाल के इसके 10 कतरे इस तजाब के, 10 कतरे उस तजाब के डाल के अल्मीनियम वाले पेपर को बंद कर दें, उसको सुई गैस पे रखें, जला दें, वो जल जाएगा। इस तरह आपने एक ही अमल करने हैं। ठीक है। इस तरह करने से वो आपका मुदब्बर हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और अगर ऐसे नहीं मुदब्बर करना चाहते तो ऐसे करें कि भाई तजाब शोरा ले लें, उसके अंदर एक तोला मरकरी डाल दें, कच्चा डाल के उसके अंदर जनाब बजाओ देने शुरू कर दें, 100 बजाओ दें अलमास के, वो आपका मुदब्बर हो जाएगा, वो खुराकी है, वो खाने के काबिल। क्या बात है, काम भी ज्यादा करेगा, तो इलम के दरिया बह रहे हैं जी जी। क्या बात है, वो मुदब्बर होगा, आप वो खिला सकते हैं। मैं कहना 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक खिला सकते हैं। ऐसे ही मैंने बच्चे को भी खिलाया, खिलाया इन्होंने जी। बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुदब्बर का तरीका बताया। अच्छा, अब ये सोनू साहब इंडिया से जी, ये कहते जी की गोल्ड का हमलान कर रहे हैं, उसी का बता। गोल्ड का हमलान पा रहा है भाई, गोल्ड का हमलान है, पारा है। अच्छा, पारा बना ले, वर्किया से निकाल ले, वो भी हमलान हो जाता है। अच्छा। पारे को आप जनाब अली यानी किसी भी तरीके से आपको पारे को बनाएंगे वो गोल्ड का हमलान होगा, चांदी तांबा नहीं होगा हमलान। ये मैंने शॉर्टकट बात बता दी है, शॉर्टकट बात समझ जाए वो समझेंगे, तो नहीं समझेंगे तो ये बस ऐसे ही है ना जी। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। ठीक है। अच्छा जनाब, तो अभी हम जी